आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऐसा भी पे, जहाँ पर हम अभी रीजनिंग मैथ और पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। अभी का जो क्लास होगा वो आपके क्वेश्चन पे एक मैथ का क्वेश्चन है, वो जो दिख रहा होगा जो नंबर सिस्टम से है, आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। मेरे पास बुक है जो आपका राकेश यादव का बुक है, उसी को मैं देख करके यहाँ पर बनाऊ अभी क्वेश्चन देखूंगा, उसको अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसे बनाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई एक सिक्स डिजिट नंबर है, सिक्स क्वेश्चन है, पहला सिक्स डिजिट नंबर है, सिक्स डिजिट नंबर है, ओके, जो रिपीटेड फॉर्म में, रिपीट फॉर्म मतलब तीन को जाना है, तीन, यही तीन यहाँ पर रिपीट किया है। मतलब अगर यहाँ पे छः सात आठ है तो यहाँ पे छः सात आठ है, ये रिपीट संख्या। अगर यहाँ पे पाँच तीन दो है तो यहाँ भी पाँच तीन दो, ये रिपीट संख्या है। तो आपको बताना है कि कह रहा है कि कौन सा नंबर से पूरा पूरी डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर से ये पूरा पूरी डिविजिबल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका सात, ग्यारह, तेरह या 101। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना, जैसे छः सात आठ, फिर छः सात आठ, यानी देखिए रिपीट हुआ, ये तीन जो डिजिट है वो क्या आपका रिपीट हुआ हुआ है, यहाँ के तीन डिजिट रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना तो क्या होता है कि ये सात से भी कटेगा, ये ग्यारह से भी कटेगा, ये तेरह से भी कटेगा, समझे। जब रिपीट हो रहा था कैसे हम वो आप देख लीजिए, पहला देखिए, पहले छः सात आठ, इसको हम सात से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सत्रहवा तिरसठ, यहाँ चार आया, सात पच्चीस सच्चे बयालीस, यहाँ छः आया, सत्रह तिरसठ, तीन आया, सात पच्चीस पैंतीस, दो आया, सच्चों के अट्ठाईस, कट गया सात से, कट गया ग्यारह से, देखते हैं ग्यारह छः छियासठ, एक आया ग्यारह एकम ग्यारह, सात आया ग्यारह छः छियासठ, यहाँ पे कितना दस आ गया, ग्यारह सत्तर सतहत्तर, फिर यहाँ पे ग्यारह नौ निन्यानवे, निन्यानवे आठ बच्चा ग्यारह आठ अठासी, कट गया ग्यारह, ग्यारह से कट गया तेरह से, देखते हैं तेरह 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 चौके बाद तेरह पच्चीस पैंसठ, तेरह पच्चीस पैंसठ दो बचा, तेरह दून छब्बीस दो बचा, तेरह दून छब्बीस, ओके, फिर जीरो देंगे तेरह छः अठहत्तर, तेरह से भी कट गया। यानी कोई भी रिपीट संख्या रहेगा अगर इस तरीके का रहेगा, छः सात आठ पाँच दो तीन या वन फोर थ्री वन फोर थ्री, ऐसा अगर संख्या रहेगा रिपीट में रहा, रिपीट रहा, तो ये सात से भी कट जाएगा, ग्यारह से भी कट जाएगा और तेरह से भी कट जाएगा, समझे। मतलब ये तीनों से कट रहा है, ये तीनों से सारा संख्या कट जाएगा, ठीक है। तो अब बोला है ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है कि कौन सा संख्या से इसको डिवाइड से पूरा पूरी कर जाए, ये तीनों से पूरा पूरी कर जाए। तो देखिए यानी जो ऐसा संख्या होता है वो सात से भी कटता है, ग्यारह से भी कटता है और तेरह से भी कटता है। ऐसा संख्या किसे किसे कटता है, ये सात से भी कट जाएगा, ग्यारह से भी कट जाएगा और तेरह से भी कट जाएगा, सात से भी कट जाएगा, ग्यारह से भी कट जाएगा और तेरह से भी कट जाएगा। तो जो संख्या सात से ग्यारह से तेरह से कटता है, अगर हम तीनों का एलसीएम ले, अगर हम तीनों का एलसीएम ले, जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम अगर हम तीनों का एलसीएम ले लें तो वो जो भी एलसीएम आएगा, वो जो नंबर होगा ना, वो नंबर ये पूरा पूरी इसको काटेगा, समझे। जैसे आप इसको गुणा कर सकते हैं, इक्यानवे एक एलसीएम और इक्यानवे गुणी ग्यारह क्या जाएगा, एक नौ एक दस, नौ एक दस यानी एक हज़ार एक, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है यहाँ पे, एक हज़ार एक है, यानी एक हज़ार एक से ये पूरा इस तरीके का नंबर जो होता है कट जाएगा। यहाँ पे सात से कट रहा था, ग्यारह से कट रहा था, ग्यारह से, लेकिन हमको एक ढूंढना है कि जो इसको पूरा पूरी काट दे, तो ये तीनों पर एलसीएम होता है वो एक हज़ार एक होता है, एक हज़ार क्या हुआ, एक पूरा पूरी इसको कट कर।